हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बचत सेविंग किसे नहीं अच्छा लगता, मनी सेविंग भी और टाइम सेविंग भी। आज की वीडियो मनी सेविंग एंड टाइम सेविंग को लेके है। कुछ बचत हम ज़रूर करते हैं हर दिन के रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, हम जाने अनजाने में कुछ ट्रिक्स तो अपनाते हैं और कुछ आज देख लेते हैं और भी टाइम और मनी हमारा सेव हो सकता है। तो ये कंजूसी नहीं है, कुछ ट्रिक्स अगर हम अपनाते हैं और छोटे छोटे सेविंग हम करते हैं तो कुछ पैसे तो हाथ में आता है और इसी पैसे से हम दूसरा कोई बड़े काम भी कर सकते हैं। साथ के साथ टाइम तो ज़रूर बचता है, 5-5 मिनट करके भी अगर हमारा टाइम बचे तो दिन में और कामों में ये टाइम हम लगा सकते हैं। तो समय प्लस मनी सेविंग वीडियो है, 2 पार्ट में है, आज है पार्ट 1। चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 1। ऐसे लेफ़्ट ओवर साबुन तो हमारे बाथरूम में मिलता ही रहता है, फ्रेश साबुन से भी हम बना सकते हैं। तो लेफ़्ट ओवर टुकड़ा का 2-4 और भी हमारे पास ट्रिक्स है, लेकिन आज एक हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ऐसे लेफ़्ट ओवर साबुन लेके हम एक जो बारीक वाली कद्दूकस है, ग्रेटर है, इसमें ग्रेट कर लेंगे जितने साबुन हमें चाहिए और इसके बाद एक कटोरी में ले लेंगे और इसके बाद खौलता हुआ हॉट वाटर इसमें डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 2 घंटा भिगो के रखेंगे, इसके बाद मिक्सचर पूरा क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे बटर पेपर ले लिया है, नॉर्मल पेपर भी लिया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा हार्ड पेपर हो तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। हम ये होममेड पेपर सोप बना रहे हैं और ये है जो हमारा क्रीमी टेक्सचर वाली साबुन का पेस्ट है। अब हम बटर पेपर में ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे और हम सूखने के लिए रख लेंगे 2 घंटा। ना सूखे भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो आगे हम ट्रेवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मैस नहीं होगा। और ऐसे छोटे छोटे हम कोई हमारे पास छोटा बॉक्स या कटोरी है तो ऐसे हम ले सकते हैं, पेपर को इस तरह से फोल्ड करके ले लेंगे तो बिल्कुल मैस नहीं होगा। स्पेशली जो लोग लिक्विड हैंड वॉश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये एक ज़बरदस्त टिप्स है, ज़रूर अपनाना चाहिए। फोल्ड करके हमारा होममेड पेपर सूप बिल्कुल तैयार है। कटोरी में ऐसे बंद करके रख लेंगे। अभी देख लेते हैं इसका यूज़ कैसे है। जब भी यूज़ करना हो तो ऐसे हम एक ले लेंगे और पानी के सहायता से इस तरह से रगड़ लेंगे और पेपर को हम फेंक सकते हैं और फोम अच्छी तरह से निकल के आ जाता है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है और ट्रेवलिंग में हमें पूरा साबुन कैरी नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से हाथ धो सकते हैं। स्पेशली कोरोना के प्रिकॉशन के लिए तो ये एक नंबर 1 टिप है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए अभी हम देख लेते हैं टिप नंबर 2। ऐसे ऑयल के पाउच दोस्तों हम काट के हमारे डब्बे में तो हम डाल लेते हैं और इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसका ड्रॉप गिरता ही रहता है। अब 10-15 मिनट इसमें ख़राब ना करके दीवार के सहायता से ऐसे कटोरी में हम डाल सकते हैं, ऑयल के पाउच को ऐसे रख सकते हैं। 10-15 मिनट में सारे तेल टपक के नीचे आ जाएगा और ये एक छोटे बर्तन में हम ऐसे रख सकते हैं जो डेली ऑयल का कंटेनर है। इसमें 15 मिनट बाद ये पूरा ड्रॉप नीचे आ गया। तो हुआ कि नहीं टाइम और मनी का बचत, ये 10 मिनट आप दूसरा कोई काम कर सकते हो, है ना। टिप नंबर 3 है दोस्तों, हैंड वॉश के ऐसे बॉटल खरीदने से ये जो पाउच मिलता है वो ज़्यादा मनी सेविंग है, लेकिन पाउच से कई बार डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसे फनेल यूज़ करती हूँ, फनेल से आराम से डाल सकते हैं तो इधर उधर नहीं गिरता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाउच के नीचे काफ़ी रह जाता है लिक्विड सोप। तो इस तरह से हम इंडियन जुगर ऐसे हम रोलर बेलन चला सकते हैं तो सारे जो हमारा हैंड वॉश इसके माउथ में आ जाएगा और इस तरह से सेम दीवार के हेल्प से 1 घंटा ऐसे रख लेंगे तो 1 घंटे में ये थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप करके सारा हमारा नीचे आ जाएगा और हमारा ये हैंड वॉश के बोतल दोबारा बिल्कुल रिफिल हो गया है और कोरोना को भगाने के लिए तैयार है। वैसे भी हर रोज़ हमें चाहिए होता है हैंड वॉश। टिप नंबर 4 है दोस्तों, ये टूथपेस्ट जब ख़त्म हो जाए, हम तो रोलर चलाते ही है उसमें, इंडियन जुगाड़ है, लेकिन कई बार हमने ध्यान दिया है जो ऐसे रोलर चलाने के बाद भी हम खड़ा करके टूथपेस्ट रख लेते हैं तो पेस्ट धीरे धीरे इसके नीचे आ जाता है। ऐसा ना हो तो हम ऐसे फोल्ड करके
और एक बाइंडर क्लिप लगा के इसमें रख सकते हैं और आराम से इस टूथपेस्ट को खाली होने तक यूज़ कर सकते हैं। कंजूसी नहीं है ये, मनी सेविंग है और टाइम भी सेविंग है। बार बार आपको इसको दबाना नहीं पड़ेगा हर दिन सुबह उठ के। टिप नंबर 5 है दोस्तों, सेम ट्रिक है। जब ऑइंटमेंट होता है ऐसे और ये टीन का बना होता है, उसमें बाद में रोलर चलाने से बेटर है कि शुरू से इसको ध्यान रखें थोड़ा सा, और शुरू में ही हल्के हाथों से नीचे से थोड़ा सा रोलर चलाएंगे तो ऊपर से ख़राब नहीं होगा, और इस तरह से ध्यान से यूज़ करेंगे हम, नहीं तो कई बार टीन फट सकता है। और अगर ध्यान ना रहे, सारा पिचक जाए, तो ऑइंटमेंट में तो हमारा इंडियन जुगाड़ है ही, हम रोलर चलाएंगे, बलन चलाएंगे और सारा मेडिसिन जो है माउथ में आ जाएगा। अगर कमर में दर्द हो, घुटने पे दर्द हो, मम्मी को देखती रहती हूँ मैं, हालत ख़राब हो जाता है उस टाइम पे, बोली नहीं लाओ, मूव लाओ, कितना कुछ लाओ लाओ बोलती रहती है, तो बेटर ये है कि शुरू से ही बलन चला के सारा ऑइंटमेंट जितना है उसका माउथ में ला के रख लूँ। क्योंकि जब कमर में दर्द हो तब उठ के जाके इसका दबाना बहुत दिक्कत होता है, इससे बेटर है इसको पहले से ही हम उस हिसाब से यूज़ करें ताकि रोलर दबा के हम सारा ऑइंटमेंट का मेडिसिन माउथ में ला के रख ले। तो आपका टाइम और मनी बचा है कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।